सब्सक्राइब करें मेरे चैनल जित ग्राफिक को और इस बेल बटन को दबाना ना भूलें मेरे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आपका जित ग्राफिक में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले बिजनेस कार्ड डिजाइन कोरेलड्रॉ 18 में। दोस्तों तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे दोस्तों, कंट्रोल एन भी प्रेस करेंगे तो आ जाएगा हमारा न्यू पेज। और इस पे डॉक्यूमेंट पे पहले बिजनेस कार्ड डिजाइन 2018, ये साइज ठीक है हमारा, सेम वाई के में डॉक्यूमेंट रहेगा। और इसको इंटर कर देते हैं और इस पे ग्रेडियंट गाइडलाइन लगा लेते हैं दोस्तों। गाइडलाइन ये ठीक है, ये ठीक है दोस्तों। और रेक्टेंगल टूल्स पे डबल क्लिक करेंगे दोस्तों, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया है। जाएंगे कन्वर्ट टू कर्व, क्लिक कर दिया और शेप F10 भी प्रेस करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये यहाँ से माइनस कर देंगे, माइनस ठीक है दोस्तों। और फिर शेप टू और कन्वर्ट टू कर्व, ठीक है यहाँ तक लेके जाएंगे थोड़ा सा इस पर, ठीक है। और इस सब्जेक्ट को कॉपी करेंगे, कॉपी पेस्ट और शेप टूल थोड़ा सा, एकदम सेंटर में लेंगे इसको, ठीक है। और इस सब्जेक्ट को कॉपी और पेस्ट, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे, ठीक है फिलहाल, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा डॉक्यूमेंट का मैटर है दोस्तों, ठीक है। और ये कलर्स, ये कलर है हमारा और ये लोगो नेम, इसको इन डॉक्यूमेंट को कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे, इसको नीचे की तरफ रख लेते हैं। ये हमारा RGB में है दोस्तों, इसको हम CMYK में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से CMYK कर देंगे 96 और 100 है दोस्तों, इसको ओके कर देते हैं। और इसमें कलरिंग कर लेते हैं दोस्तों, इसमें ये कलरफुल कर लेंगे, ठीक है। और ये वाले ऑब्जेक्ट में ब्लैक, ठीक है। और इस वाले में भी ये कलर। और अब इन दोनों में हम ग्रेडियंट फिल करेंगे, ग्रेडियंट इंटरेक्टिव टूल्स ये देख सकते हैं, जी भी प्रेस करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों। और ये यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फिर फाउंटेन में जाएंगे, इसको माइनस 90 कर देंगे, माइनस 90 ठीक है। और यहाँ पे भी डबल क्लिक करके यहाँ भी वाइट वाइट प्रेस कर देंगे, ठीक है। और इंटर कर देंगे, ये देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और फिर इस सब्जेक्ट पे भी हम ग्रेडियंट फिल कर गए, इंटरेक्टिव टू पे क्लिक और यहाँ पे जाके ये फ़िलहाल आ चुका है, बहुत अच्छा बन चुका है। थोड़ा सा हम इसको अंदर की तरफ ले लेंगे, ठीक है। और इनको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे, ठीक है। आउटलाइन हमारा मिट गया और हम जाएंगे, ठीक है दोस्तों, इसको शिफ्ट के साथ नीचे ड्रैग करेंगे और इसको भी शिफ्ट के साथ आगे की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। इसको पूरे को सिलेक्ट करके फिर आगे इसको बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे पूरे को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर इसको पूरे को सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे, फिलहाल थोड़ा सा रह गया, पूरे को सिलेक्ट करेंगे तभी आएगा दोस्तों, ठीक है। इसको आगे की तरफ लेके जाते हैं थोड़ा सा, फिर पूरे को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा अंदर की तरफ, ये ठीक है फिलहाल। इसको हम अभी मैटर के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे ऊपर नीचे, ये फिलहाल बन गया है हमारा, ठीक है। और पूरे को सिलेक्ट करेंगे और कॉपी कॉपी और पेस्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सिलेक्ट करके और इस पर भी क्लिक कर देंगे, मिरर
वर्टिकल पे, ठीक है, यहाँ पे ले जाके रख देंगे और फिर इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे, इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, और इसको आगे, ठीक है, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और ये थोड़ा सा शिफ्ट के साथ आगे की तरफ लेके आएंगे, ठीक है, ठीक है, ये फ़िलहाल ठीक है, बन गया है दोस्तों। थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे और इसको भी थोड़ा से बड़ा कर लेंगे, ये बड़ा हो गया है दोस्तों, इस साइड से छोटा कर लेंगे, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को, लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को जो शेप बन रहा है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इंटरेक्टिव टूल में प्रेस करेंगे और यहाँ से कॉपी फिल पे क्लिक करके यहाँ पे प्रेस कर देंगे, ये हमारा आ गया है, और यहाँ पे जाएंगे डबल क्लिक और यहाँ से 90 कर देंगे, ठीक है दोस्तों, ये हमारा बन गया है। और रेक्टेंगल टूल्स पे डबल क्लिक और इसमें 100 ब्लैक, ये ऑब्जेक्ट हमारा बनके तैयार है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा अंदर की तरफ ले लेंगे, ठीक है, और ये लास्ट वाले को थोड़ा सिलेक्ट करके बाहर की तरफ, ठीक है, ये ठीक है दोस्तों। तो अब हम मैटर सेट कर लेते हैं, ये रख लेंगे यहाँ पे, इसको वाइट कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर रख लेंगे इसको, और ये नेम, नेम फॉन्ट देख सकते हो दोस्तों, फॉन्ट मैंने क्या लगाया है, फॉन्ट 3 समझ रेगुलर 13-14 के आसपास है, और ये 10 से ऊपर है, और यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, अप कर देंगे और इसमें कलर चेंज कर देंगे, ठीक है, इसको तो वाइट रखेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ये लोगो, लोगो को यहाँ पे रख लेंगे अच्छे से, और ऑर्डर में जाएंगे, ऑर्डर फ्रंट पेज, ठीक है, इसमें सिलेक्ट करके इसमें कलरिंग कर देंगे, ठीक है, इसको वाइट वाइट कर देंगे, और सारे को यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, तो और अंदर की तरफ ये, ठीक है, एक रेक्टेंगल टूल पे सिलेक्ट करेंगे, एक बॉक्स लेंगे, ठीक है, ठीक है, और इसमें कलर फिल कर लेते हैं और राइट क्लिक पे इंटर कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ये ठीक है, और ऑर्डर में जाते हैं, इसको पहले फ्रंट ले लेते हैं, फ्रंट पे, ठीक है, और यहाँ पे रख लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट ऑर्डर टॉप, ये ठीक है, थोड़ा सा इस और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके ऑर्डर अलाइन ई, ठीक है दोस्तों, फिर इसमें प्लस प्रेस करने पे हमारा डुप्लीकेट बन जाएगा और ई प्रेस करेंगे, फिर प्लस और ई, प्लस प्लस और ई प्रेस कर देंगे दोस्तों, ये यहाँ से एंटर किया हुआ है, देख सकते हैं, और इस ऑब्जेक्ट को ग्रुप करेंगे, कंट्रोल जी, ग्रुप हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी टूल पे सिलेक्ट करेंगे, ये देख सकते हो, और ये फाउंटेंस पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, और इसको कॉपी करेंगे, कॉपी
और पेस्ट कर देंगे और इस पर एंटर कर देंगे, ठीक है, और वाइट पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको कट करके इसको मिरर कर देंगे इस साइड, फिर पेस्ट करेंगे और इस वाले को मिरर कर देंगे इस साइड, और इसको आगे तक सेलेक्ट करेंगे। एक साइड उसी बन जा रही है, ठीक है दोस्तों। और हम इन सब को सेलेक्ट करेंगे ग्रुप करके, ठीक है, ग्रुप इसको चारों को सेलेक्ट करेंगे और ऑर्डर फ्रंट पेज, ठीक है, और ये सेट कर देते हैं, कंट्रोल और ऑल ग्रुप एंड ग्रुप सेलेक्ट, ठीक है। ये प्रेस करेंगे, ई पे प्रेस कर देंगे, जो ग्रुप कर लेंगे ग्रुप, फिर ये दिखा देता हूँ आपको सेंटर, ठीक है, और ये भी ग्रुप, और ये भी ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन ई, ये हमारा। दोस्तों मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, धन्यवाद।